देखिए फिर से आप सभी का स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा जारी है। इस बीच सरकार की कोशिश रही है कि वो महत्वपूर्ण बिलों को पास करवाए। इसी कड़ी में आज लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अहम बिल पेश किए जाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण SC ST एक्ट संशोधन बिल है। SC ST एक्ट के मुद्दे पर दलित समुदाय की नाराजगी छिन रही मोदी सरकार ने इस कदम को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्ट में जो बदलाव हुए और फिर दलितों की नाराजगी सामने आई, उससे सरकार बैकफुट पर थी। अब सरकार ये कदम उठाकर इसकी भरपाई करना चाहती है। आपको ये भी बता दें कि ये वही बिल है जिसके तहत SC ST एक्ट अपने पुराने मूल स्वरूप में आ जाएगा। SC ST एक्ट संशोधन बिल के अलावा आज ही राज्यसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक को भी पेश किया जा सकता है। यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। हम आपको ये भी बता दें कि इस विधेयक को लेकर सरकार की तब किरकिरी हो गई थी जब पिछले वर्ष राज्यसभा में इस बिल पर विपक्ष का संशोधन पास हो गया था, लिहाजा सरकार की तरफ से बिल में कुछ संशोधन कर दोबारा पेश करना पड़ा था। अपने लिए जो संवैधानिक सुरक्षा है उसकी मांग करता रहा। उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़ी मांगे रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इग्नोर किया गया, जानबूझकर इग्नोर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक ये कानून और बिल बनाया है और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस पे भी सियासत न करेगी।